मतलब बिहार में पहली बार इस तरह बिल्कुल 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 सभी लोग प्लेट ही बेचेंगे तो रॉ मटेरियल भी कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए। कोरोगेशन में क्या होता है कि वहाँ दो रोल लगता है, ये सीट पहले लोग बाहर से मंगा के अपना देते थे। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग। दोस्तों लगातार आप लोग का कमेंट रहता है कि सर आज के टाइम में पेपर प्लेट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन होता क्या है उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो दोस्तों आसानी से मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देख सकते हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और इस तरह की जो मशीन है वो वफर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरह का रॉ मटेरियल होता है। आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है, मार्केट में मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है। इस तरह से ये रॉ मटेरियल आता है। और दोस्तों यही जो सीट होता है जिससे पेपर प्लेट बनाया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही मात्रा में निर्माण कराया जाता है और बहुत ही कम रेट में दोस्तों ये आपको मिलेगा। और इनका एक गारंटी भी ये देते हैं कि कम रेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में देंगे और क्वालिटी भी सही देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास पांडे सर। सर सबसे पहले बता दें हमारे व्यूअर को कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया। ओके, एक चीज ये बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली जो अभी आप देख रहे हैं ये बफर सीट मशीन है। बफर सीट बनाने के लिए हमने ये मशीन लगा रखा। पहले लोगों को यहाँ से गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया से माल या दिल्ली बॉम्बे जैसे बाहर से लोग मंगाते थे, तो यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, तो उसको देखते हुए यहाँ के लोकल काफ़ी लोग छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा रखे हैं, लेकिन कच्चा माल लेने के लिए उनको गोरखपुर दिल्ली वगैरह वगैरह जाके लाना पड़ता था। अच्छा थोड़ा सा दिखाएंगे ना, ये जो बफर प्लेट होता है, चूंकि छोटे छोटे उद्योग बहुत लोग लगा रखे हैं लेकिन सीट ये नहीं मिल पाता। सीट ये जो आप सीट देख रहे हैं ये सीट पहले लोग बाहर से मंगा के अपना देते थे। अच्छा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो जितने छोटे लोग प्लेट बना मशीन लगा रखे हैं बफर प्लेट का, सीट ले जाके प्लेट बनाते थे। अच्छा एक चीज ये बताएं, ये प्लेट की बात की जाती है, काफी पूरे बिहार में मशीन लगा हुआ है पेपर प्लेट का, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्ट वगैरह का होता है क्या? तो उसी को सब कुछ देखते हुए कि लोगों को जैसे बाहर से कोई भी माल मंगाता है तो उसको कम से कम लाख लाख सीट का ऑर्डर लगाना पड़ता था, पैसा एक बार नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन का किराया ज़्यादा लगता था। तो हमारे यहाँ मान लीजिए छोटे कोई अगर हैं उनको 10,000-5,000 सीट का भी जरूरत है तो कम दामों में उसको अपने घर के पास मिल जाएगा। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है बस वगैरह, और मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो पूरा ऑल ओवर बिहार झारखंड तक जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह माल जाता है। अभी अपना पूरा बिहार में है, झारखंड में भी, रांची में भी हमने माल भेजा हुआ है, हजारीबाग साइड में जा रहा है और बाकी इधर आपके देवरिया वगैरह में भी जा रहा है, यूपी के जितने हमारे बिहार के सटे बॉर्डर हैं, मतलब ऑल बिहार आपने कवर किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम कोशिश रहता है। और रेट जो है जो यहाँ का लोग तुलना करते हैं, खासकर हमारे सिवान छपरा गोपालगंज पटना में भी गोरखपुर वगैरह से तुलना किया जाता है, तो गोरखपुर से भी हम सस्ता रेट में यहाँ पे माल दे रहे हैं। मतलब कि गोरखपुर का क्या रेट है, यहाँ का क्या रेट है? गोरखपुर में अभी आप जाइएगा तो 3.5 रुपये से 3.60 रुपये तक लोग दे रहा है, 70 पैसा भी देता है। 13x26 का सीट होता है, इसमें दो प्लेट बनेगा और हम वही प्लेट यहाँ पे 3.40 रुपये से 3.50 रुपये। अच्छा दिखाएं किस तरह से बन रहा है, तो मतलब कि 3.40 रुपये में ये मिल जाएगा? 3.40 रुपये से 3.50 रुपये, वो तो भारी करते रहता है, जब रेट गिरता है तो हम रेट गिरा भी देते हैं और रेट बढ़ता है तो अपना बढ़ा भी देते हैं। मतलब कि देखिए अच्छा इसमें क्वालिटी कैसी होगी यहाँ पे जो बनाया जा रहा है? क्वालिटी जैसे अभी और मार्केट में दूसरे के यहाँ से कंपटीशन अगर देखा जाए तो लोग सिंगल कलर का सीट मार्केट में लोगों को देता है, मल्टी कलर का सीट दे रहे हैं उसी रेट में। अच्छा उसी रेट में मल्टी कलर मिलेगा? स्टॉक ये देखें इस तरह से आपको स्टॉक हमने और भी दूसरे जो गोडाउन में रखा हुआ, अभी आज का जो माल बन रहा है ये आज का स्टॉक है। अच्छा एक चीज ये बताएं, थोड़ा सा चलते चलते मशीन भी दिखाएंगे। हाँ। ये तो मशीन काफी लंबा है दोस्तों, आधुनिक मशीन, मतलब बिहार में पहली बार इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं और भी बनाई जाती है बिहार में? बनाई जाती होगी, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। अच्छा, बाकी हम तो ये जानते हैं जितना सब ट्रेडिंग करके देता है लो। अच्छा। अपने पास जितना है ये खुद का, सामने आप लाइव देख रहे हैं। हाँ। अपने एलिमिनेशन पहला प्रोसेस होता है, ये रोल आता है, फिल्म उसका फिल्म का उधर स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा। पहले इसका एलिमिनेशन होता है, फिर कोरोगेशन होता है, फिर ये पेस्टिंग होके सीट में कन्वर्ट होता है। मतलब कि ये बिहार में दोस्तों इस तरह के मशीन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो मशीन में आज की सुविधा आपने पटना में भी अगर आप देखिएगा तो पटना में भी लोग ट्रेडिंग ही करता है, दिल्ली से वगैरह से माल मंगा के अभी मशीन पटना में भी नहीं लगा हुआ, जो भी है एक आध दो लोग हमारे नॉलेज में जो जानकारी है वो मैनुअल मशीन लगा रखे हैं। अच्छा एक चीज ये बताएंगे ना कि जिनके पास मशीन नहीं है वो चाहते हैं रोजगार करना, क्या उनके लिए ये अवसर हो सकता है रोजगार करना? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा थोड़ा सा बताएं? या तो अपना एक जैसे ये मशीन देख रहे हैं इस टाइप का, 1-1.5 लाख रुपए में मशीन मिल जाएगा। अच्छा, हमसे सीट पे, हाँ पेपर, ये बफर प्लेट बनता है। अच्छा, हमारे यहाँ बफर प्लेट भी बनती है,
उस प्लेट को अपने लगा के हमसे सीट लेके अपना 2-2.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, महीने लोग मशीन नहीं सिर्फ इसी का बिजनेस हाँ, इससे हमारा ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमसे माल लें होलसेल रेट में, बाकी अपने गांव घर जहाँ भी है उसको कम मार्जिन पे देते रहे अपने। चूंकि होता क्या दोस्तों, आपको भी पता है कि सारे लोग पेपर बफर प्लेट ही बेचेंगे, तो उसका रॉ मटेरियल कौन बेचेगा, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब कि सभी लोग प्लेट ही बेचेंगे तो रॉ मटेरियल भी कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए बिहार में। और सीधे मैं फैक्ट्री से इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि अगर आप यहाँ से खरीद कर ट्रेडिंग में करते हैं तो आपको मार्जिन जो होने वाला अच्छा बच जाएगा, इस पर कमाई भी अच्छी होगी। तो सर एक चीज़ और बता देना कि कम से कम यहाँ से कितना का लेना होगा। ऐसा कुछ नहीं, मिनिमम 10,000 से भी आप अपना सीट हमारे से ले सकते हैं, 100 बंडल ले लीजिए 100 बंडल भी दे सकते हैं, जितना मतलब आज पर कस्टमर, ऐसा मान लीजिए अगर छोटा कस्टमर है तो उसको जितना अगर उसको रिक्वायरमेंट उतना भी हम दे सकते हैं। ऐसा कोई हमने रूल नहीं लगा रखा है कि हम जब देंगे तो एक गाड़ी माल ही देंगे, अगर उसको 10 बंडल के रिक्वायरमेंट है तो हम 10 बंडल भी दे सकते हैं। देख रहे हैं वहाँ से बफर सीट फाइनल जो हमारा सीट तैयार हो रहा है, सीट तैयार होने के बाद सीट तो हम लोगों कस्टमर को देते ही हैं। बहुत सारे कस्टमर हैं जो सीट नहीं चाहते हैं कि हमें प्लेट मिल जाए, प्लेट को ही हम सेल करें, तो उन कस्टमर के लिए भी हम यहाँ पे अपना बफर प्लेट 4-2 मशीन लगा रखे हैं। कई लोग के पास इतना पूंजी नहीं होता है कि वो इस तरह का बफर प्लेट लगा सकें, मशीन लगा सकें, तो इस तरह से आप यहाँ से प्लेट भी खरीदारी कर सकते हैं इनके यहाँ से। इस तरह से आपको दोस्तों प्लेट भी मिल जाएगा, चूँकि इनको इन्होंने 2-3 मशीन भी लगा रखा है, इस तरह से आपको प्लेट मिल जाएगा। सर बताएं ना कि ये प्लेट बनता कैसे आके? ये प्लेट देखिए, ये 4-2 का प्लेट है। अच्छा, ये एक साथ में चार, हाँ एक साथ में ये चार प्लेट आप देख रहे हैं, चार प्लेट बन रहा है, तो ऐसे हमने लगा रखा है। 10-2 हमारे पास टोटल अभी फिलहाल है। अच्छा, 10-2 का देखिए, जैसे भी हमारे स्टाफ लगा रहे हैं, आप देखिए एक अभी नीचे लगा रहे हैं, एक ऊपर लगा रहे हैं, एक ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो 2 प्लेट देखिए वो बन गए, और फिर इसके ऊपर फिर वो अप करेंगे तो 2 प्लेट और निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताया ना, इस मशीन से पूरे मतलब 10 घंटे में 30,000 से 35,000 बफर प्लेट बन जाएगा आपको। अच्छा, इस मशीन से 30,000 से 35,000 बन जाता है ना? हाँ जी। अच्छा, मतलब कोई होलसेल के अंदर में प्लेट लेना चाहते तो यहाँ से ले सकते हैं, मार्जिन अच्छा मिल सकता है सर? बिल्कुल, उनको मार्जिन मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको रेट हम एकदम जो अपना हम लोग 10-5 पैसा का अपना खेल करके इसको दे देते हैं होलसेल। मतलब कि एक कहने में कस्टमर को सुविधा दे रहे हैं, सुविधा देते हैं, सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या है कि इधर आइए आपको दिखा रहे हैं, ये हम पैकिंग मशीन लगा रखे हैं। अच्छा। और जगह आप जाइएगा तो लोग लूज पैकिंग में माल भर के देता है, लूज हमारे यहाँ क्या है ऑटोमेटिक मशीन लगी है, वो इसमें देखिए ये रोल लगा है, इसमें अपना डब्बा डालेंगे 25 का 24 का जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है इसमें डालेंगे, और ये आप देख रहे हैं ये फाइन क्वालिटी में ये अच्छा। प्लेट ऐसा सील पैक प्लेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये सील पैक होता और जगह लोगों के यहाँ क्या होता है कि नॉर्मल पन्नी में डालता है उसको हाथ से बांधते हैं, और ये हमारा कंप्लीट ऑटोमेटिक, मतलब देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल काफी अच्छा। थोड़ा सा मशीन के बारे में बताते चले ना कि किस तरह से मशीन काम करती है आपकी, और ये अलग क्यों है, मतलब कि बिहार में अभी तक ये मशीन अवेलेबल क्यों नहीं है, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखिए पहला मशीन जो होता है, हम अपना मशीन अगर शुरू करें तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो कच्चे माल का होता है, तो ये कच्चा माल जो होता है वो हम लोग पेपर मिल से, बहुत सारे पेपर मिल इंडिया में हैं, तो पेपर मिल से पेपर मंगाते हैं, उसके फर्स्ट स्टेप वो हो गया। सेकंड स्टेप में आते हैं तो हम लोग उसका लेमिनेशन करते हैं। अच्छा। ये लेमिनेशन मशीन लगी हुई है, पीछे पेपर लगाते हैं ऊपर फिल्म लगाते हैं, उसके लगने के बाद ये हमारा लेमिनेशन पहला प्रोसेस हो गया, लेमिनेशन ये अच्छा। माल रेडी हो गया, लेमिनेशन करके ये अपना तैयार है। अच्छा, ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोरोगेशन पे आते हैं। कोरोगेशन में क्या होता है कि वहाँ 2 रोल लगता है, ये अपना कोरोगेशन मशीन है। अच्छा। ये अपना देख रहे हैं हीटर इसमें लगा है, हीट से अपना इसमें बन रहा है, उसके ऊपर से आ रहा है 2 प्लेट लगे, तो इसमें हार्डनेस बढ़ जा रही है। अच्छा, हार्डनेस, हाँ इसमें है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, और फिर जो हमारा लेमिनेशन वाला पार्ट था ये रोल यहाँ चढ़ा दे रहे हैं, फिर यहाँ पेस्टिंग होते हुए फाइनली डिलीवरी पॉइंट पे वो कट होकर निकल रहा है। आगे इधर लेकर आएंगे कि इस तरह से दोस्तों प्रोसेस होते होते यहाँ पे जो फाइनल बनकर जो रेडी होता है, सब देख रहे हैं, ये लंबा मशीन इस तरह से बनकर रेडी सारा प्रोसेस होते होते, ये देखिए ब्लेड लगा हुआ है, यहीं से इसका कटिंग होता है। ये बहुत स्लो स्पीड चल रहा है अभी आपका, वैसे प्रोडक्शन काफी ज्यादा, एक मिनट में इसमें हमारा 1 मिनट में 135 पीस निकलता है इस मशीन से। स्टॉक के लिए जितना चाहेंगे उतना स्टॉक अवेलेबल, जब कस्टमर को चाहिए मिल जाएगा। एक बार थोड़ा सा एड्रेस बता देना कि आप मेरा मेरे फर्म का नाम है श्री DNP इंटरप्राइजेस,
ये सिवान में लगा हुआ है। सिवान से जो हम लोग पटना का रूट है, बैसाखी महापुर जगह का नाम है, और इसमें आप यहाँ पे हमारे यहाँ आ सकते हैं। श्री DNP इंटरप्राइजेस, मेरा नाम विकास पांडे है। अच्छा, स्क्रीन पे वैसे मैं इनका नंबर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वैसे एड्रेस भी मैं आपको यहाँ का ऐड कर दूंगा कि कहीं से आपको दिक्कत ना हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट आकर विजिट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।